अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिखाऊंगी मैं आपको अपने बर्तन वॉश करूंगी, तो यही सीन दिखाऊंगी आज, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ रेसिपी बना बना के। तो मैं आज सिर्फ बर्तन ही दिखाऊंगी और अपनी सफाई दिखाऊंगी इस वीडियो में। और अभी देख लीजिए, मेरा किचन सब ऐसे ही है। और इधर भैंसों के लिए रखी है रोटी, देख लीजिए, और फिर दिखाऊंगी मैं आपको। और आप सभी को खाने हो एग तो ये रखे हुए हैं, कुछ उबले हुए हैं, कुछ कच्चे हैं, अगर खाने हो तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। अमरूद रखे हैं, जो भी पसंद आए उठा लें। और सबसे ज़्यादा रखे हैं टोकरी में सेब, एप्पल, तो आप उनको भी ले लें। बहुत हो चुका फ्रेंड, कभी रेसिपी दिखाओ, कभी कुछ हो दिखाओ। जो काम हमारा सबसे ज़्यादा मैन है, हम उसको ही नहीं दिखाते जिससे सबसे ज़्यादा थकते हैं। तो सारे काम दिखाने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि देख लीजिए, ये मैंने अभी पोछा नहीं लगाया है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है आपको। और मेरा वैसे तो सारा क्लीन हो चुका है झाड़ू। तो फ्रेंड, मेरे बर्तन हो चुके हैं वॉश, और जिनसे लगी है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड, तो आप सभी देख लीजिए, मैंने बर्तन वॉश कर दिए हैं। आपको फिलाड़ा नहीं दिख रहा होगा, अब सही है सब, और साफ़ भी हो चुका है फ्रेंड। अब लगा लेती हूँ फ्रेंड मैं पोछा, और पोछा लगाऊंगी मैं ठंडे पानी में, तो मुझे ठंड भी लगने वाली है। और ठंडा पानी था बर्तनों का भी वॉश जो किया है, सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना ठंड में। तो बाल्टा भर चुका है पानी का, और मैं उठा लेती हूँ अपना वाइपर। सच में बहुत ठंडी लग रही है फ्रेंड, लेकिन करना तो है ना। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, इस टाइम 7 हो रहे हैं फ्रेंड, और करना तो पड़ेगा। सच में ठंड में तो बहुत सोचना पड़ता है। आप सब भी ऐसे ही करते हो या मैं ही करती हूँ? कसम से मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा वाली। हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है सच में, और मन कर रहा है कि बिल्कुल भी पानी में मैं हाथ ना लगाऊँ। धूप आ चुकी है, इधर कोई नहीं है इस टाइम, सब जा चुके हैं बच्चे स्कूल, और हस्बैंड भी जा चुके हैं अपने काम पर, और मैं अपनी क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। थोड़ी देर में करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ आप सबसे। और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपना काम ज़्यादा जल्दी उठ कर ना किया करें, वरना फ्रेंड आपको ठंड लग जाएगी तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपना काम मेरी तरह आराम आराम से किया करें, और ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में ज़्यादा अपना काम ना ज़्यादा जल्दी जल्दी ना किया करें, आराम आराम से किया करें जैसे मैं करती हूँ। हाँ, सही बात है, मैं सही बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना। बता देती हूँ आपको कि मैं पोछा कैसे लगाती हूँ, और मैं ही लगा रही हूँ या किसी और से लगवाती हूँ? फ्रेंड, मैं ही लगाती हूँ पोछा, तो सारा काम मैं खुद से ही करती हूँ अपने, क्योंकि मुझे ना किसी और का काम पसंद नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे करते हैं ना सब, अच्छे से नहीं करते, तो मैंने ना इसीलिए किसी को रखा भी नहीं है, बिना फालतू किसी की बद्दुआ लो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब मैं अपने करती हूँ किचन से स्टार्ट पोछा लगाना, बहुत जल्दी लगा दूंगी फ्रेंड, आप देखते रहे बस, इस तरीके से लगाऊंगी मैं। और फ्रेंड, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही है एक हाथ से, तो मैं अपना ट्राईपोड ना रख देती हूँ पहले, फिर लगाती हूँ मैं। बहुत मेहनत से लगता है पोछा भी फ्रेंड, सारे काम बहुत मेहनत के हैं। कमरे में लग चुका है और किचन में भी लग चुका है, इधर से लगा लेती हूँ। ज्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि परिवार में कोई नहीं है ना, लेकिन लगाना तो रोज पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत है सभी लेडीज।
लेडीजों को, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ही काम है, सारी लेडीजों को ये काम होता है। और हम ना बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में जितनी भी लेडीज हैं आप सबका सम्मान करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है उन पर। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतना थक कर भी बैठो और कोई अच्छे से पूछे भी नहीं कि आप थक गई होगी या फिर आराम कर लो, तो बहुत बुरा लगता होगा। अब मेरी सफाई हो चुकी है फ्रेंड, और बहुत थक भी चुकी हूँ। तो इस थकने के पीछे मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरा वीडियो भाई देख रहे हैं और बहनें देख रही हैं, बहनें तो समझती हैं इस बात को, लेकिन भाई कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते। वो सिर्फ लेडीज़ को सिर्फ ताना देने में लगे होते हैं कि आप क्या करती हो पूरा दिन। तो मैं उन सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि भाई ऐसा ना किया करें। देखो घर में बहुत सारे काम होते हैं लेडीज़ के लिए, और बहुत थक जाती हैं बेचारी, वो पूरा दिन कभी खाना बनाए, कभी सफाई करें, कभी कपड़े धोएं, ये काम कर कर के ना, और ये काम किसी को दिखाई नहीं देता। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ना आप बिल्कुल भी उसका दिल ना दुखाएं, और हमेशा सपोर्ट में बने रहें। अगर आप हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, काम में मदद भी नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि उसको प्यार से दो लफ्ज़ बोल दिए जाएँ। अगर नहीं भी बोल सकते हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि उसको कुछ ना कहा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है लेडीज़ के लिए, मैं जानती हूँ अच्छे से। और मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है, फिर भी मुझे इतना सारा काम लगता है, पूरा दिन काम ही काम होता है ना। और जबकि पूरी पूरी फैमिली एक साथ रहती हैं, और फिर भी बेचारी काम कर कर के ना परेशान हो जाती हैं, फिर भी ऊपर से उनको यही सुनने को मिलता है कि क्या किया है आपने पूरा दिन, बैठी तो रहती हो, फ़ोन तो देखती रहती हो। तो सभी से यही विनती है मेरी आज की वीडियो में कि भाई जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी अपनी बहनों की और अपनी बीवियों की और अपनी माँ की फुल रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनको ना सिर्फ आपकी मुस्कान की वजह से ही सारा काम करती हैं वो। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि हमें खुश रखने के लिए वो बेचारी बिल्कुल दब चुकी है काम में। और मैं ये काम वीडियो बनाते बनाते ना खुद से इमोशनल हो रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस जो पूरा माशरा है, इसमें बहुत बहनें बहुत परेशान हैं। तो मैं आप सभी से यही है मेरी बार बार विनती कि आप सपोर्ट बनाए रखें, और उनको प्लीज़ कुछ ना कहें, और साथ साथ उनको प्यार से बात दो बात लफ्ज़ बोल दिया करें प्यार से, तो कितना अच्छा रहेगा, उसका भी मन बढ़ जाएगा और आप भी खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में। और घरों में अगर खुशहाली लानी है आपको तो इस तरह का टॉपिक ना निकाला करें। अगर वो काम करके थक गई है और बैठ गई है तो आप इस तरह की बात तो ना किया करें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घरों में देखा है ये कि बेचारी पूरा पूरा दिन काम करती रहती हैं, और ऊपर से बोल दिया जाता है कि क्या करती हो आप, बस फ़ोन ही तो देखती रहती हो या फिर वीडियो बनाती रहती हो। क्यों, एक मेरी फ्रेंड हैं, जुड़ी थी मेरे जो ओल्ड चैनल था उस पर जुड़ी थी मेरी एक फ्रेंड, तो उनका चैनल इसी वजह से ना रोक दिया उन्होंने, जबकि उनका चैनल मोनो भी हो चुका था। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि उनको मोनो चैनल होने के बावजूद भी फिर उन्हें उनका मतलब वहीं पर उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि उन्हें इतनी सारी मतलब वो मिली ना कि हर टाइम आप तो फ़ोन देखती रहती हो और आपको कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं करती हो, बस यही करती रहती है। तो उन्होंने बेचारियों ने फिर अपना चैनल, मैंने आपसे बात की है तो आपको शायद मेरी बात अच्छी लगी हो आज की वीडियो में, तो आप इस बात पर ज़रूर गौर करना। जितने भी भाई जुड़े हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं से मैंने रिक्वेस्ट की है, और जो मेरी बहनें हैं वो हमेशा याद रखें कि अपना काम जारी रखें, चाहे कोई कुछ भी बोले आप उनकी बातों पर ना जाएं। और अगर उमा दीदी के ये पास मेरा वीडियो पहुँचे तो उनसे मैं विनती करना चाहूँगी कि दीदी आप वापस आ जाओ और अपने चैनल पर काम करो, बोलने दो जिसको जो बोलता है, और आपने इतनी मेहनत की तो मैं आपकी मेहनत को दाद देती हूँ। और इतनी जल्दी आपका मोनो भी हो गया था चैनल, और मेरा तो उड़ चुका था, लेकिन मुझे कितना अफसोस हुआ, और अभी भी है। और आपका तो मोनो भी हो चुका था चैनल, तो आपको कितना अफसोस होता होगा कि आपको वहीं पर रोकना पड़ा। तो मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगी कि आप वापस आ जाओ और अपने चैनल पर काम करो, आपके लिए ही ये इतना सारा मैंने बोला है। प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि उनके पास तक मेरा वीडियो ये चला जाए,
और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लूंगी मैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना फ्रेंड। वेट करना अगली वीडियो का, फिर मिलते हैं।